पुलिस ऑफिसर और एक साइड पे आप ये कुकिंग कर रहे हैं, केक बेक करते हैं, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। जब आपकी शादी होगी और आपकी वाइफ को तो बड़ी इस चीज़ की सहूलत होगी, वो जब दिल किया करेगा कहेगा केक बना के दो मुझे। नहीं रो, मुझे गोल रोटी करनी नहीं आती, केक मुझे पहले पसंद था, अब नहीं क्योंकि जो बनाने वाला होता है अब मुझे इतने वो अटैक नहीं करते और मैं अक्सर नहीं खाता। शेरोज, अगर कोई पुलिस ऑफिसर केक खाना चाहता है या केक बनवाना चाहता है तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग से सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। रिमशा, आज मुझे ना काफी भूख लगी हुई है और मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ खा लूँ। क्या खाना है आपने? कुछ मीठा के नमकीन? मीठा, वैसे मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ। लेकिन आज दिल कर रहा है कि कुछ मीठा खाऊं। लेकिन मुझे तो मीठा बहुत पसंद है और मेरे ख्याल में अगर मेरे सामने कभी मीठा आ जाए तो मैं इनकार नहीं करती सिवाय मीठी चाय के, चाहे मैं फीकी पीती हूँ, बाकी हर चीज़ मीठे में खा लेती हूँ। और आज बड़े स्वीट स्वीट से ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही स्वीट हैं और पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं, हमारे कुलीग भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे ज़्यादा उनकी स्पेशलिटी ये है कि उनकी बेकिंग जो है ना बहुत अच्छी और आउट क्लास है। बिल्कुल, बेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो केक बेक वो बहुत अच्छा करते हैं। मीठे की बात कर रहे थे तो मीठे में केक सबसे पहले होता है, किसी की बर्थडे हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो तो सबसे पहले केक लेकर आते हैं। तो साथ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं लेकिन जो केक बेक वो बहुत अच्छा करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में उनको इनवाइट किया है, केक भी हम काटेंगे और खाएंगे भी जरूर, लेकिन साथ में अगर वो केक लेके आए हुए तो हम कहेंगे कि हम काटेंगे और हम खाएंगे। और दूसरी बात ये कि फाइक वो केक तो बना लेते हैं लेकिन जो उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है ना वो बड़ी मुश्किल है। तो आज कुछ पूछेंगे ना उनसे कितना मुश्किल है और कैसे ये सब कुछ करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शेरोज, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम कहते हैं शो में, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये सब कुछ किस तरह से आपने शुरू किया, केक का शौक किस तरह से आया कि केक बेक करूं मैं? कोई और भी शौक हो सकता था? अच्छा मुझे खाने के ना बहुत शौक था। अच्छा लाहौरी हैं आप? जी। अच्छा इसीलिए लेकिन उसके साथ मैं डाइट कॉन्शियस भी हूं। अच्छा अच्छा लगते भी हैं आप, खाने का शौक भी है और डाइट कॉन्शियस ये कैसे हो सकता है? हाइजीन चीजें मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा, तो बाहर से अगर आप प्रोडक्ट्स लें तो आपको पता नहीं होता कि वो मेयार पे पूरी उतरी है या नहीं। नहीं होती, आपने खुद जो बनाया हो आपको उसको होता है कि ये 100% गुड क्वालिटी है। डाइट कॉन्शियस क्यों है? पुलिस ऑफिसर होने की वजह से? वैसे बड़ा जरूरी होता है पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो थोड़ा डाइट कॉन्शियस भी हो, अपनी डाइट को भी मेंटेन रखे इस तरह से। नहीं, पुलिस ऑफिसर होने के अलावा भी जो है मैं जरा साफ सुथरा ही। अच्छा मतलब प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हैं, फिर आप डाइट कॉन्शियस भी हाइजीन कॉन्शियस दोनों ही हैं। तो टेस्ट पे कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है भाई? कम से तो नहीं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होता, हमें तो टेस्ट आना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होता। वाकई मुझसे नहीं होता, जो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है चाहे वो जितनी मर्जी गंदी है। और वैसे भी कहते हैं कि जायके ऐसे नहीं बनते, जायके बड़े मुश्किल से बनते हैं। अच्छा शिरोज, ये मुझे बताइए कि ये सब कुछ आपने कहाँ से सीखा और किस तरह से आगाज किया सिलसिला? इसके लिए जो है पहले तो अपने फैमिली बैकग्राउंड में, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मतलब मेरे घर में बेकर्स भी हैं और कुकिंग मेरे घर में बहुत अच्छी होती है ऐसी। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ होती है कि मैं अपना काम खुद करूँ। सही, और वो तभी हो सकता है जब आपको खुद आता हो मतलब आप इंडिपेंडेंट हो। जब आपने चीजें सीखी होंगी तो आप फटाफट अपना काम खुद कर सकते हैं। तो घर में कौन करता है? घर में सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मेरी सिस्टर करती थी। अच्छा। तब भी मैं उनके पास खड़ा देखता रहता था, तब भी मुझे शौक होता था मैं खुद बनाऊं। फिर उसके बाद मेरे भाई ने सर्टिफाइड किया इसमें, और उसके बाद जो है भाइयों की जब सिस्टर मेरे मिलकर काम कर रहे होते थे अक्सर, तो मैं उनको किचन में बताता था ये ऐसे करो ये ऐसे करो, वो फिर कहते थे तुम अभी बाहर चले जाओ हमें करने दो खुद ही। सही। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद मैंने भी फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया साथ। सही। वहाँ से सर्टिफिकेशन प्रॉपर आपने सीखा इसको? जी मैंने प्रॉपर सीखा हुआ। अच्छा, मैंने सर्टिफिकेशन स्कीम। पुलिस ऑफिसर और एक साइड पे आप ये कुकिंग कर रहे हैं, केक बेक करते हैं, ये दोनों मैच नहीं करते हैं, किस तरह से आप दोनों मैनेज? मतलब अगर हम पुलिस ऑफिसर्स का सोचें ना तो हम सोचते हैं कि वो तो कुकिंग कर ही नहीं सकते, उन्हें तो बेकिंग का आती ही नहीं होगी, उन्हें तो एटलीस्ट बेक का भी नहीं पता होगा। तो ये आप इतने अच्छे केक बल्कि आप बेक करते हैं, इसके अलावा डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? डिज़ाइनिंग जो है वो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर ने बताया हो तो फिर मुश्किल नहीं है। अच्छा, लेकिन ये देखने में बहुत सिंपल लग रही होती है कि डिज़ाइनिंग बड़ी इजी सी है, लेकिन आपको कई दिन भी लग जाते हैं डिज़ाइनिंग करने में। मतलब आप कह रहे हैं कि एक अगर आप केक बनाते हैं तो उसमें मिनिमम कितना वक्त आपको रिक्वायर होता है?
ये डिपेंड करता है, वैसे तो हम कस्टमर से कहते हैं कि आपने 2 से 3 दिन पहले बता देना है अच्छा ताकि रेडी कर लें, लेकिन अगर उसने अर्जेंट कहा है तो फिर हम उसको अर्जेंटली करना पड़ता है, लेकिन अगर हो सकता हुआ तो फिरोज जिस तरह अब आप ऑफिस आते हो, कभी सुबह की शिफ्ट है, कभी दोपहर में आ रहे हैं, कभी रात सारी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि 24/7 आप काम कर रहे होते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल भी करने पड़ते होंगे बहुत सारे। ऐसे कई दफ़ा होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, लेकिन मिनिमम यही हमने कहा होता है कस्टमर को कि 2 से 3 दिन पहले बता दें। अच्छा, मैक्सिमम कितनी देर लगी अभी तक एक केक को आपको बनाने में, जब से आप बना रहे हैं, कोई ऑर्डर आया हो बड़ा मुश्किल केक हो, कितने दिन लगे, कोई दिन लगा पूरा एक दिन, या कोई ऐसा हो सीन हुआ कि फौरन से केक चाहिए और आपने उसको बना दिया है, बहुत मुश्किल फौरन से, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अच्छा, अच्छा, वो बेक करके उसको कूल डाउन करना है, आपने उसकी कटिंग करनी है, अगर आप उसको गरम गरम उसको काटेंगे तो उसके वो आपको नहीं लगेगा उसी केक को, अगर आप अगले दिन खाएं तो आपको वो अच्छा लगेगा। तो कभी शेरोज दोस्तों ने नहीं आपको कहा कि हमें कुछ खिलाएं या हमें पिलाएं, या कभी आपको टॉन्ट किया हो कि क्या तुम? दोस्तों को तो मैं बहुत कुछ खिलाता हूँ, दोस्तों अक्सर मेरी बेकिंग आइटम्स खाते ही रहते हैं, मैं अक्सर ही लेकर आया होता हूँ, मतलब हर दूसरे दिन पैसे दे देते हैं आपको ऑर्डर के, ऑर्डर बनवा के, मतलब दोस्त अक्सर इस तरह करते हैं ना, केक बनवा लेते हैं और अक्सर आपकी उनके साथ भी चले जाएं कहीं, तो पैसे नहीं देते, तो मैं दोस्तों के बर्थडे से खुद ही केक ले जाता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आप फाइकी में बैठ जाने वाली भी केक होगी क्या उसका, और वेब टीवी की मेरे दोस्त पार्टी देते हैं जहाँ पे इनवाइट होते हैं, नहीं जहाँ पे इनवाइटेड होते हैं वहीं पे मैं केक लेके जाता हूं। अच्छा, हमने आपको भी से इनवाइट किया दोनों बर्थडे, ठीक हो गया, तो पार्टी देना जरूरी होगी उसके बाद, वो आपकी मर्जी। फिर आप एक वो पीस ले आइएगा, केक का बहुत होगा मेरे ख्याल में, है ना, पूरा केक ना लाए, पार्टी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आपकी शादी होगी और आपकी वाइफ को तो बड़ी इस चीज़ की सहूलत होगी, वो जब दिल किया करेगा कहीं केक ना आगे तो मुझे उम्मीद तो है कि ऐसे ही होगा, उम्मीद पे उम्मीद है मतलब, लेकिन वाइफ को राजी करना बहुत मुश्किल है आपको। अच्छा, मतलब ये हो सकेगा कि आपको घर में भी कोई कहता हो कि चले अपने सीखी तो आपने, होता है ना जिस तरह लड़कियां अक्सर रोटी पकाना नहीं सीखती कि अब उन पर बर्डन बन जाएगा क्योंकि इसको आ गई है अब ये रोटियां पकाएगी, तो आपको कभी इस तरह हुआ कि अब इसे बेकिंग आ गई है, चलो उठ के शुरू ये बनाओ, चलो उठ के अब मेरे लिए ये बना दो? सिस्टर है छोटी, वो मुझे कहती रहती है और उनके कहे बगैर भी कई दफा मैं खुद ही बना देता हूँ। इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं, चलो ये बताते हैं, बिस्किट्स होते हैं, अच्छा उसके अलावा पैटीज होते हैं, अच्छा पिज्जा बनाया, पिज्जा मैंने बनाया, रोटियां बना लेते नहीं, मुझे गोल रोटी करनी नहीं आती थी अक्सर, जगह अगर पिज्जा कभी बनाना हो या गोल कुछ करना हो जैसे चिकन ब्रेड या उसको जब बेलना हो तो फिर मैं अपनी मम्मी सिस्टर से हेल्प, अंडा बॉईल कर लेते हैं जी, वो कर चाय बना लेते हैं। अच्छा, लड़की सिर्फ दो काम कर सकते हैं, वो इससे भी ज्यादा बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं, वो इटालियन कुजीन भी बना लेते हैं, चाइनीज भी और पाकिस्तानी भी, लगता है तूने बहुत कुछ खाया इनसे, आई लव पास्ता और वो बहुत कुछ खाया तुमने शेरोज से, मुझे इस चीज का यकीन हो रहा है, मैं कहां पे था जब तुम्हें शेरोज, मैंने नहीं खाया शेरोज से, इन्होंने मुझसे केक खाए हुए हैं शायद, केक खाया हुआ, केक मैंने खाया हुआ शेरोज के हाथ का और वो भी डिलीशियस था किसी के बर्थडे पे, चलिए ये वाला भी आपको सभी ज्यादा डिलीशियस लगेगा क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो चुका है। अच्छा शेरोज, आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं, केक आपको खुद भी पसंद है? केक मुझे पहले पसंद था, अब नहीं, बनाने वाला होता है, अब मुझे इतने वो अटैक नहीं करते और मैं अक्सर नहीं खाता। शेरोज, अगर कोई पुलिस ऑफिसर केक खाना चाहता है या केक बनवाना चाहता है तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे? मैं उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, तो मतलब अगर हम में से किसी की सालगिरह आ रही है तो हमें आप स्पेशल डिस्काउंट देंगे? जी बिल्कुल। अगर एक इसका केक है तो बाय वन गेट वन फ्री होगा? नहीं नहीं, ये ना देना वरना इसने अपनी बर्थडे भी भुगता लेनी है, इसके लिए अलग होगा।